नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे लेरिंजाइटिस के विषय में और आपको बताएंगे लेरिंजाइटिस को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। लेरिंजाइटिस साथियों एक बहुत ही आजकल कॉमन समस्या हो गई है जो आम तौर पर आप देखेंगे। शायद इसका कारण यह है कि हम लोग चिल्लाते बहुत हैं, चीखते बहुत हैं, गले में इन्फेक्शन भी रहता है, सब तमाम दिक्कतें होती हैं। लेकिन समस्या है तो उसका समाधान भी है। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं लेरिंजाइटिस होती क्या है। लेरिंजाइटिस साथियों आपके लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स की वो स्थिति है कि जब वॉइस बॉक्स में होने वाली जो दो वोकल कॉर्ड्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वही लैरिंग्स का इन्फ्लेमेशन होता है, लैरिंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। आमतौर पे आपके गले में दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो कि बोन और मसल दोनों को कवर रखते हैं। लेकिन जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो इसमें सूजन आ जाती है, और जब इसमें सूजन आ जाती है तो आपके लेरिंजाइटिस की स्थिति कहलाने लगती है। इसके सिम्टम्स साथियों आपकी वॉइस होर्स होना, आपकी वॉइस साफ ना आना, वॉइस चली जाना, गले में दर्द होना, पेनफुल थ्रोट होना, गले में खराश होना, सोर थ्रोट होना, यह सब आपके लेरिंजाइटिस के सिम्टम्स होते हैं। कारण साथियों, कारण जैसा हमने बताया, एक्यूट हो या क्रॉनिक लेरिंजाइटिस, जब भी उसमें कोई इन्फेक्शन होता है तो वह सबसे बड़ा कॉज होता है आपके लेरिंजाइटिस का, और नॉर्मली यह वायरल इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा भी तमाम कारण होते हैं लेरिंजाइटिस की, लेकिन मुख्य कारण आपका वायरल इन्फेक्शन ही होता है। लगातार आपको साइनस की दिक्कत बने रहना, लगातार आपको नज़ला बने रहना, लगातार आपको थ्रोट में इन्फेक्शन बने रहना, अगर इस तरह की लगातार टॉन्सिल बने रहना, इस तरह की जब क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं तो वह ही आपको लेरिंजाइटिस में रिजल्ट करती हैं। हम बताते हैं साथियों आपको लेरिंजाइटिस को ठीक करने की, आपकी आवाज़ को वापस बुलंद करने की, मजबूत करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। कोशिश करेंगे इन दवाओं में आपके सारे सिम्टम्स कवर कर लें, कहीं ना कहीं आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाए। लेकिन आपको यह बताना चाहेंगे कोई भी दवा आप कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे बिना ना लीजिएगा, क्योंकि व्यक्ति टू व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन होम्योपैथी में सिम्टम्स भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। चलते हैं साथियों, बताते हैं आपको लेरिंजाइटिस को दूर करने की, ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। सबसे बड़ी समस्या जो आती है लेरिंजाइटिस की वो आती है हमारे गाने वालों को, सिंगर्स को, या जिनको पब्लिक स्पीकर्स को, और उस स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि लेरिंजाइटिस उसका कॉज होता है, उस स्थिति से निपटने के लिए होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। जो प्रोफेशनल सिंगर्स और पब्लिक स्पीकर्स का सडन लॉस ऑफ वॉइस हो जाती है, या सडनली उनको ये दिक्कत होती है और उनको तुरंत आराम चाहिए होता है, तो उसके लिए दो बहुत कारगर दवाएं साथियों, और यह लेरिंजाइटिस की मुख्य दवाएं भी हैं। पहली दवा है आर्जेंटम मेटालिकम और दूसरी दवा है आयरन ट्राइफिलम। आर्जेंटम मेटालिकम साथियों उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है लेरिंजाइटिस की, जब आपका प्रोफेशनल सिंगर हो या आप सिंगर हो और आपकी कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस हो गई हो, टोटल लॉस ऑफ वॉइस हो गई हो, आपकी आवाज़ ही ना आ रही हो, तो उस आवाज़ को वापस लाने की बहुत अच्छी दवा आर्जेंटम मेटालिकम है। आप इस दवा को लेके अपनी वॉइस को वापस ला सकते हैं। और एरम ट्राइफिलम उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है जब आप पब्लिक स्पीकर हो, यानी आपको बहुत ज़ोर से बोलना पड़ता हो और उससे आपकी वॉइस लॉस हो गई हो और आपके गले में जलन हो रही हो। अगर यह सिम्टम आप में है तो आपकी दवा एरम ट्राइफिलम है। आप एरम ट्राइफिलम 30 दो बूंद दिन में 3 बार लेके पब्लिक स्पीकिंग से पहले, अपना भाषण देने से पहले अपनी आवाज़ को वापस ला सकते हैं और अपने गले की जलन को ख़त्म कर सकते हैं, और साथ में आप लेरिंजाइटिस को ठीक कर सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती कि गले में रेंगन ऐसी हो रही है और आपकी आवाज़ बैठ गई, तो अगर यहाँ टिकलिंग हो, आपके रेंगन ऐसी गले में हो रही हो और आपकी आवाज़ बैठ गई हो, तो उस स्थिति को भी ठीक करने की, आपकी आवाज़ को वापस लाने की, लेरिंजाइटिस को ख़त्म करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है रूमेक्स क्राइसिस। रूमेक्स 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप दे सकते हैं जब आपके
गले में सरसराहट रिंगन ऐसी हो रही हो और आपकी आवाज़ आपको आप अपनी आवाज़ को लोगों तक ना पहुंचा पा रहे हो, तो रूमेक्स बहुत अच्छी दवा है। इसका सेवन करके आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। रूमेक्स का एक और बड़ी खास बात है साथियों, इसकी जो खुजली होती है, अगर शरीर में खुजली होती है, कोई इरप्शंस नहीं होते हैं, इचिंग विदाउट इरप्शंस, यह भी एक रेड लाइन है रूमेक्स की। तो अगर आप में यहाँ सिम्टम है तो रूमेक्स आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है, आप यह दवा लेके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों लेरिंजाइटिस में ही कि आपके गले में जो है वो सरसराहट होने लगी, तो अगर यह स्थिति है कि आपके यहाँ पर सूजन आ गई लैरिंग्स में, वॉइस बॉक्स में स्वेलिंग आ गई, इन्फ्लेमेशन हो गया है और आपको गले में खरखराहट हो रही है और यह तकलीफ शाम के वक्त बढ़ रही है, तो इस स्थिति को ठीक करने की और लेरिंजाइटिस को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा फॉस्फोरस है। आप फॉस्फोरस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं कि अगर आपको गले में सरसराहट ऐसी महसूस हो रही, कुछ रॉनेस महसूस हो रही है और आपके लेरिंजाइटिस हो गया है, आपकी आवाज़ चली गई है, जो कि तकलीफ शाम के वक्त बढ़ती है। फॉस्फोरस के मरीज को आमतौर पर ठंडी चीज़ें खाना बहुत पसंद होता है और फॉस्फोरस हेयरफॉल की भी बहुत अच्छी दवा है। बहरहाल, तो अगर लेरिंजाइटिस आपको है और गले में सरसराहट है और आपकी आवाज़ चली गई है, तो आवाज़ को रिगेन करने के, सरसराहट को ख़त्म करने की और लेरिंजाइटिस को ठीक करने की बहुत कारगर दवा। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपके गले के नीचे कुछ नहीं उतर रहा, आपकी आवाज़ चली गई यानी आपको लेरिंजाइटिस हो गई और आपके गले के नीचे कुछ नहीं उतर रहा, तो अगर यह स्थिति आप में हो कि आपके गले के नीचे ही कुछ ना उतर रहा हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा लैकेसिस म्यूटा है। आप लैकेसिस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। आप देखेंगे कि जो आपके गले से नीचे ना कुछ उतरने वाली स्थिति है वहाँ भी ठीक हो गई और आपका आवाज़ भी वापस आ गई और आपका लेरिंजाइटिस भी ठीक हो गया। लेकैसिस की साथियों तकलीफ़ें यानी लेकैसिस के मरीज़ की जो तकलीफ़ें हैं वो रात के वक्त सोने के बाद ज़्यादा बढ़ती हैं और लेकैसिस के मरीज़ को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है, तो अगर यह सिम्टम आप में है तो लेकैसिस आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि इतनी खांसी आई कि आपके लेरिंजाइटिस हो गया, आपके गले में सूजन आ गई, इन द लैरिंग्स में सूजन आ गई और आपकी आवाज़ या तो ख़त्म हो गई या कम हो गई, हस्की हो गई, होर्स हो गई, तो अगर यह स्थिति है कि आपको बहुत खांसी आ रही हो, ड्राई कफ हो रहा हो, सूखी खांसी आ रही हो और आपके गले में दर्द हो और खांसते खांसते आपकी आवाज़ चली गई हो, तो उस स्थिति में आवाज़ को लाने की बहुत कारगर दवा ड्रोसेरा है। केवल आप ड्रोसेरा 30 पावर की 1 खुराक ले लें, आप देखेंगे कि आपकी खांसी भी बंद हो जाएगी, आपके गले की आवाज़ भी वापस आ जाएगी, आपका लेरिंजाइटिस भी ठीक हो जाएगा। फिर साथियों एक स्थिति आ सकती है किसी को लेरिंजाइटिस में कि उसको बिल्कुल बार्किंग टाइप का हो, भौंकने वाली खांसी आ रही हो और उसके गले की आवाज़ बैठ गई हो, तो अगर यह स्थिति है कि आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, बार्किंग टाइप कफ है और आपके गले की आवाज़ बैठी हुई है और एकोनाइट दवा फेल हो गई जो हमने वीडियो में पहले बताई है, तो उसके विकल्प के रूप में दूसरी जो इसकी सबसे अच्छी दवा है वह है स्पॉन्जिया टोस्टा। आप स्पॉन्जिया 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा रात भर भौंकने वाली खांसी, जो कुत्ते के भौंकने जैसी खांसी आपको होती है, तो आप फिर स्पॉन्जिया को लेकर आप अपने सीने को भी साफ कर सकते हैं, मतलब चेस्ट को क्लियर कर सकते हैं, सारा बलगम म्यूकस ख़त्म कर सकते हैं, अपने गले की आवाज़ को वापस ला सकते हैं और खांसी को भी ख़त्म कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों कि जैसे ही आपको सर्द हवा लगी, सर्दी लगी, उस ठंडी हवा के कांटेक्ट में आए, आपकी आवाज़ बैठ गई या आपने ठंडी चीज़ें खा ली, तो अगर यह स्थिति हो कि ठंडक से, ठंडी हवा से, ठंडी चीज़ों से आपकी आवाज़ बैठ जाती हो, तो उस स्थिति को बार बार होने से रोकने को और लेरिंजाइटिस को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है कॉस्टिकम हनीमनाई। आप कॉस्टिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके थ्रोट में सोरनेस हो, जरा भी ठंडी हवा के कॉन्टेक्ट से आपकी आवाज़ बैठ जाती हो, तो कॉस्टिकम आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। इस दवा के सेवन से आपका लेरिंजाइटिस ठीक हो जाएगा और आपकी आवाज़ बार बार उसमें यह उतार चढ़ाव सर्दी गर्मी वाला नहीं आएगा। फिर साथियों एक कंडीशन रहती है आमतौर पर लेरिंजाइटिस में, काफ़ी केसेस में होती है, कि आपका पैरालिसिस ऑफ वोकल कॉर्ड्स हो गया,
तो अगर यह स्थिति आप में हो कि आपको पैरालिसिस ऑफ वोकल कॉर्ड्स महसूस होता हो, वोकल कॉर्ड्स बिल्कुल काम नहीं करती, तो उसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है जेलसीमियम सेमी परवाइनेंस। जेलसीमियम 32 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में दे सकते हैं जब आपके वोकल कॉर्ड्स की पैरालिसिस आपके डॉक्टर ने बताई है। तो जेलसीमियम आपके रेस्क्यू के लिए आएगी, यह दवा आपके उस पैरालिसिस को दूर करके, वोकल पैरालिसिस को दूर करके आपको ठीक करेगी। जेलसीमियम के मरीज को आमतौर पर प्यास नहीं लगती है और इसमें डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस, यह चारों सिम्टम भी पाए जाते हैं। अगर यह सिम्टम आप में है तो जेलसीमियम आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है, आप यह दवा लेके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक साथियों स्थिति आती है कि आपको लेरिंजाइटिस हो गया और आपका गले में एक सुर्खपन आ गया है और गले में दर्द है, तो अगर यह आपको सिम्टम महसूस हो और आपकी आवाज़ बैठ गई हो तो उस स्थिति को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है होम्योपैथी में बेलेडोना। आप बेलेडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपके गले की आवाज़ बैठ गई हो और आपको गले में दर्द हो तो बेलेडोना आपकी आवाज़ को भी वापस लाएगी, आपके लेरिंजाइटिस को भी ठीक करेगी और आपके गले के दर्द को भी ख़त्म करेगी। फिर साथियों एक सिम्टम आता है लेरिंजाइटिस के साथ कि आपकी थ्रोट बिल्कुल सूख गई है, एक्सट्रीमली ड्राई थ्रोट हो गई है। तो अगर आपकी थ्रोट बहुत ड्राई है, आप ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं और आपके सीने में बलगम जमा है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सिनेगा। आप सिनेगा 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपके गले की भी आवाज़ वापस आ गई, आपका बलगम भी पूरी तरह ठीक हो गया और आपका लेरिंजाइटिस भी ठीक हो गया। फिर साथियों एक स्थिति आती है आपके लेरिंजाइटिस में कि आपको लेरिंजाइटिस हो गया हो और आपका ग्लैंड्स ग्रो कर गए हों और आपकी आवाज़ बहुत भारी हो गई हो, तो अगर यह 3 चीज़ें आप में हैं, पहली लेरिंजाइटिस हो गई, दूसरा आपके ग्लैंड्स की ग्रोथ हो गई हो और तीसरा आपकी आवाज़ बहुत भारी और लो पिच हो गई हो, अगर यह 3 सिम्टम आप में हैं तो होम्योपैथी में इसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा आयोडम है। आप आयोडम 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें, आप देखेंगे कि आपकी आवाज़ भी ठीक हो जाएगी, आपके जो ग्लैंड्स पड़े हैं, लार्ज ग्लैंड्स हैं, वह भी ख़त्म हो जाएंगे और आपका लेरिंजाइटिस भी ठीक हो जाएगा। फिर साथियों एक जो सबसे कॉमन सिम्टम है लेरिंजाइटिस से जुड़ा रहता है वो आपकी होती है वॉइस की होर्सनेस। अगर आपको वॉइस की होर्सनेस हो रही है, आवाज़ आपकी साफ नहीं है, आवाज़ आपकी क्लियर नहीं है, बैठी हुई है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में स्पेसिफिक दवा है। यानी अगर आपके वॉइस में होर्सनेस है तो ये एक सिम्टम है और उसको ठीक करने की एक दवा है और वह है मर्क सॉल्युबिलिस। आप मर्क सॉल 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपकी वॉइस में भरभराहट हो, होर्नेस हो, आवाज़ रुक रुक के महसूस हो रही हो तो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस मर्क सॉल है, इस दवा को लेके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि आप कभी भी स्कूल में आपको बोलना होता है, प्रेजेंटेशन देना होता है या गाने या बाले या पब्लिक स्पीकर होते हैं या कोई भी व्यक्ति होता है, बोलने के जस्ट पहले आवाज़ चली गई और उसके बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बलगम आ रहा है। अगर यह स्थिति आप में हो कि जस्ट बोलने के पहले या गाने के पहले आपकी आवाज़ का लॉस हो जाता है, लेरिंजाइटिस हो जाती है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सिलीनियम। आप सिलीनियम 32 बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आप जैसे ही बोलने जाते हो आपकी आवाज़ चली जाती हो, यानी एक नर्वसनेस का एलिमेंट भी हो, और आपके जो बलगम आता हो वह बलगम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता हो, अगर यह सिम्टम आप में है तो सिलीनियम आपका ड्रग ऑफ द चॉइस है। यह दवा आपके बलगम को भी ठीक करेगी और आपकी आवाज़ को भी ठीक करेगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपके लेरिंजाइटिस हो गया हो और आपको आवाज़ बहुत सांस फूल के निकल रही हो। अगर यह स्थिति आपके हो कि आपको लेरिंजाइटिस हो और आपको बहुत सांस और फूलने और खांसी होने के साथ आपकी आवाज़ निकल रही हो तो उसको स्थिति को ठीक करने की और लेरिंजाइटिस को ख़त्म करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा कैल्केरिया कार्बोनिकम है।
आप कैलकेरिया कार वन एम पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली उस वक्त ले सकते हैं अगर आपको लरेंजाइटिस हो, आपको खांसी और बलगम के साथ में जो है आपकी आवाज़ निकल रही हो, आप फेयर फैट एंड फ्लैबी हो, आपके सर से पसीना बहुत आता हो और बार बार आपको सर्दी होने की, कोल्ड होने की टेंडेंसी हो। अगर यह सब बातें हैं तो कैलकेरिया कार्ब आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। यह दवा आपके इन सारे सिम्टम्स को ठीक करके आपके लरेंजाइटिस को भी ठीक कर देगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है लरेंजाइटिस में, यानी आवाज़ के बैठने की स्थिति में, कि आवाज़ आपकी पूरी तरह बैठ गई है और आपके इतना कंजेशन सीने में है कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर यह स्थिति आप में है कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं और आपकी आवाज़ भी पूरी तरह बैठ गई है, उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा सैम्ब्यूकस निग्रा है। आप सैम्ब्यूकस 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपके आवाज़ भी ठीक हो गई, आपके गले का कंजेशन बलगम भी साफ हो गया और आपका लरेंजाइटिस हमेशा के लिए ठीक हो गया। फिर एक स्थिति आती है साथियों की आवाज़ आपकी भरभरा गई हो, बहुत होर्स हो गई हो, लेकिन आपके गले में कोई दर्द ना हो। अगर आपको यह स्थिति है कि आपके गले में कोई दर्द नहीं है लेकिन आवाज़ भी साफ नहीं आ रही, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में एक दवा है और वह है कार्बो वेजिटेबलिस। कार्बोवेज 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपकी आवाज़ भरभरा रही हो, आपके गले में पेन ना हो, शाम के समय आपकी तकलीफें बढ़ते हों और नॉर्मली कार्बोवेज के पेशेंट के पेट में गैस बनती है जो ऊपर की तरफ चढ़ती है। तो अगर यह सिम्टम्स आप में हैं तो कार्बो वेजिटेबलिस आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। यह दवा लेके आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों कि आपको जरा भी कोल्ड हुआ, बलगम हुआ, आपका गला बैठ गया और आवाज़ पूरी तरह चली गई। अगर टोटल एफोनिया आपके हो रहा है, टोटल लॉस ऑफ वॉइस आपके हो रही है कोल्ड होने से, सर्दी होने से, तो उसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा होम्योपैथी में इपिका होना है। इपिका साथियों हम लोग उल्टी या नौजिया वॉमिटिंग के दवा के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं आपको तजुर्बे से बता रहा हूँ कि अगर हमारे प्रोफेशनल सिंगर हैं, भाई लोग हैं, बहनें हैं जो गाना गाते हैं और उनको जरा सी सर्दी लग के पूरी तरह आवाज़ बैठ गई है, तो वो इपिका हर आधे घंटे पे एक खुराक ले लें। आप देखेंगे कि कुछ ही वक्त में आपको पूरी तरह ठीक हो जाएंगे और आपका आवाज़ वापस आ जाएगी। यह दवा इपिका इस रोल में कॉस्टिकम से भी बढ़िया दवा मानी गई है। बहुत बार देखा गया है कि बच्चों के गले की आवाज़ बैठ जाती है, तो अगर बच्चों के गले की आवाज़ बैठी है और वह रात भर खांस रहे हैं, तो उस खांसी को ठीक करने की और गले की आवाज़ को ठीक करने की, वापस ठीक करने की बहुत कारगर दवा होम्योपैथी में एकोनाइटम निप्लस है। आप एकोनाइट 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं, अपने बच्चे को दे सकते हैं जब उसको रात भर खांसी आती हो, उसकी आवाज़ बैठ जाती हो, तो एकोनाइट ड्रग ऑफ द चॉइस है। यह दवा खांसी भी ठीक करेगी, आवाज़ को भी ठीक करेगी और लरेंजाइटिस को भी ख़त्म करेगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आवाज़ भी नहीं आ रही, यानी लरेंजाइटिस हो गया और गला बिल्कुल सूख गया है। अगर यह स्थिति आप में हो कि आवाज़ नहीं आ रही, गला बिल्कुल सूखा है और जो नाक में बलगम बन रहा है वो वापस पूरा गले में जा रहा है, उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा काली बाइक्रोम है। आप काली बाइक्रोम 30 पावर में 2 दो बूंद 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपके गले की आवाज़ भी वापस आ गई, आपका लरेंजाइटिस भी ठीक हो गया और जो आपका नाक का बलगम गले के अंदर जा रहा है वह भी ठीक हो गया और जो तार ऐसा बलगम आपके बन रहा है, येलो कलर का येलो स्ट्रिंगी म्यूकस जो बन रहा है वह भी ख़त्म हो गया, आप हमेशा के लिए ठीक हो गए। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि जैसे ही यह गले की आवाज़ बैठना शुरू हुई, तो एक दवा ऐसी कि अगर आप दे दें तो वह स्थिति उसी समय रुक जाएगी और आप अपने को ठीक महसूस करेंगे और वह दवा है फेरम मिटैलिकम। जी हाँ, नॉर्मली फेरम मिटैलिकम जो अपने होम्योपैथी के जानकार हैं वो इसको खून बढ़ाने की दवा के रूप में, हीमोग्लोबिन बढ़ाने की दवा के रूप में देखते हैं, लेकिन फेरम मिटैलिकम लरेंजाइटिस की भी बहुत अच्छी दवा है। अगर शुरुआत में यानी लरेंजाइटिस की सूजन होते, यानी गले की आवाज़ बैठते ही दे दी जाए, तो फेरम मिटैलिकम से अच्छी दवा नहीं है। आप इस दवा को भी अपने
सोच में कंसिडर कर सकते हैं। फिर साथियों की स्थिति आती है, खास तौर से बच्चों में आती है, बड़ों में भी आती है, कि जरा सी हवा लगी, सर्दी गर्मी हुई, उनका गला बैठ गया। तो अगर यह आप में ये विचार आप में आए जो अभी हमने आपको बताया है कि बच्चे के जरा सी हवा लगती है, सर्दी गर्मी होती, गला बैठ जाता है, अगर यह विचार आप में आए तो इस विचार को ठीक करने की, क्योंकि इसका विचार का जनन हुआ है लेरिंजाइटिस से। अगर लेरिंजाइटिस ना होती बच्चे को तो शायद ये बात भी ना होती। तो लेरिंजाइटिस को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में हीपर सल्फ्यूरिस है। आप हीपर सल्फ 30 दो बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में दे सकते हैं। ये साथियों कुछ दवाएं थी आपकी आवाज़ को वापस लाने की, आपकी आवाज़ दूसरों तक पहुंचाने की, और हमारे जो प्रोफेशनल सिंगर्स और पब्लिक स्पीकर्स हैं उनकी अचानक चली जाने वाली आवाज़ को ठीक करने की। मैं आपको ये बताना चाहूँगा फिर से कि कोशिश हमने इस वीडियो में ये करी है आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब आपको दवा के रूप में मिल जाएं। दवाएं ये सब बहुत कारगर हैं साथियों, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब कराए बिना ना लीजिएगा, क्योंकि हर दवा के अपने सिम्टम्स होते हैं, हर दवा के पर्सन टू पर्सन स्थिति भिन्न होती है। अगर साथियों आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर जो नोटिफिकेशन पैनल में आपके चैनल में नीचे दिया हुआ है उस पर अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपको संतोषजनक जवाब देने में। अगर साथियों आपको यह समाज के लिए यह वीडियो कारगर लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन क्लिक करके यूं ही सबसे पहले सबसे नया वीडियो इस चैनल का प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों हमारा साथ देने के लिए, भरोसे के लिए, विश्वास के लिए, बात समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।